सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। वी विल डिस्कस टुडे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम पटवारी एग्जाम। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे जो हमने अपने स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज से लिए हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो पहला है आपका, 1989 में आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? तो जैसा कि आपने अभी देखा कि फैसला आया था अयोध्या पर, तो एक सवाल बन सकता है यहाँ से। तो हमने कोशिश की है कि ये एक सवाल रखा जाए। तो बताइए क्या जवाब हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मुझे दे सकते हो। तो जगह थी आपकी सोमनाथ और गुजरात में से शुरुआत हुई थी, ठीक है, गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यूनियन जैक किस देश का ध्वज है? यूनियन जैक किस देश का ध्वज है? इस तरह के क्वेश्चन आपको हरियाणा एसएससी के एग्जाम्स में मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका जवाब मैं बता देता हूँ, ये आपका इंग्लैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत के कौन से प्रधानमंत्री सबसे कम समय तक पद पर रहे? बताइए क्या जवाब है, आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। बताइए, बिल्कुल चौधरी चरण सिंह, तो उनका नाम था आपका चौधरी चरण सिंह। ग्वालियर घराना किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है? ग्वालियर घराना किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है? देखो, एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करो क्योंकि एक एक सवाल में कई कई सौ लोग बाहर हो जाते हैं, ठीक है। इसका जवाब है आपका ध्रुपद, आप कमेंट बॉक्स में जवाब लिख सकते हो, नहीं तो आप इन्हें याद कर लीजिए। और मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया? बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है। तो मुगल काल में बहुत फेमस दो प्रिंटर मिलते हैं, एक अबुल हसन है, एक उस्ताद मंसूर है। तो बैलगाड़ी जो जुड़ी हुई है आपकी अबुल हसन के साथ जुड़ी हुई है, अबुल हसन। चलिए, द गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुराना सवाल है लेकिन इम्पोर्टेंट है, आ सकता है विक्रम सेठ, याद कर लीजिएगा। और अखनूर पुल किस स्टेट में है? बताइए अखनूर पुल किस स्टेट में है, और न्यूज़ में भी था। तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आपका है अखनूर पुल। और प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस शहर में, नगर में स्थित है? मीनाक्षी मंदिर, बताइए कौन सा शहर है, और आप कमेंट बॉक्स में जवाब मुझे लिख कर बता सकते हो। बिल्कुल मदुरई, मदुरई में है। और एक और सवाल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, होरोलॉजी क्या है? होरोलॉजी क्या है बताइए, मैं वेट करता हूँ थोड़ी सी देर, बताइए क्या जवाब हो सकता है। होरोलॉजी सुना है नाम आपने कभी इसका? तो ये है आपका समय मापने का विज्ञान, समय मापने का विज्ञान। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं हमने अपने जो स्टडी मटेरियल है उसी से आपके लिए लेकर आए हैं। तो और हमारे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी चले हुए हैं, उसकी डिटेल आप हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो या हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हो। डाउन मेमोरी लेन किसकी आत्मकथा है? डाउन मेमोरी लेन किसकी आत्मकथा है, बताइए क्या जवाब होगा इसका। बिल्कुल मदर टेरेसा, मदर टेरेसा सुना होगा आपने पहले भी। किसने कहा था हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसका है? महात्मा गांधी का है, जवाहरलाल नेहरू का है, वल्लभ भाई पटेल का है, किसका बताइए? तो यह है आपका जवाहरलाल नेहरू। इंद्राणी रहमान किस शास्त्रीय नृत्य कला की शैली से संबंधित है? इंद्राणी रहमान सुना नाम पहले कभी, तो याद कर लीजिए आप इसका। तो यह है आपका ओडिसी, ओडिसी का जो आपका डांस है ये उड़ीसा का है। बद्रीनाथ मठ किस देवता से संबंधित है? बड़ा अच्छा सवाल है, आप लोग चाहते हैं ना बद्रीनाथ कौन से देवता से संबंधित है, ये तो आपको जरूर आता होगा, ठीक है। तो नहीं आता है तो आप याद कर लो, विष्णु से, इम्पोर्टेंट है। और किसका कथन है द ब्लाइंड लीड द ब्लाइंड इट इज डेमोक्रेटिक वे, ठीक है, तो अंधा अंधे को लीड करता है, तो ये किसका जो है इट इज डेमोक्रेटिक वे, तो ये किसका है बताइए? तो इनका नाम है हेनरी मिलर, बहुत फेमस ये जो है कथन है, स्टेटमेंट है इनका, हेनरी मिलर, इम्पोर्टेंट है। मैड्रिक द मैजिशियन एंड फैंस लोकप्रिय कार्मिक चित्रों का जनक कौन था? ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपके हरियाणा एसएससी में पूछे जाते हैं, तो मैंने कोशिश की है कि वो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँ और जिनके आने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये आपका है लियोन ली फाक।
और हिंदी मीडियम में हम देने की कोशिश किया, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हमसे कह रहे थे कि सर हिंदी में बनाइए, कमेंट आ रहे थे उनके। तो लियन ली फॉक और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति घटना का सजीव चित्रण करने वाली पुस्तक फ्रीडम मिडनाइट के लेखक कौन है? बड़ा अच्छा सवाल है। तो ये है आपके लैरी कॉलिन, लैरी कॉलिन एंड डोमिनिक लेपियर। ये सवाल बदल बदल के कई सारे एग्जाम्स में कितनी बार पूछा जा चुका है, तो याद कर लो, फिर आ सकता है दोबारा। बकिंगम कैनाल, बकिंगम कैनाल इंडिया के कौन से स्टेट में है? बकिंगम कैनाल सुना है? बकिंगम कैनाल का नाम आपने? बिल्कुल आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है। आज हमने आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, सीधे सीधे मैं इनका आंसर बता रहा हूँ, तो याद कर लीजिए। राष्ट्रपति शासन देश के किस राज्य में पहली बार लगा और कब लगा? बिल्कुल प्योर हरियाणा, SSC का सवाल है। तो पहली बार आपका पंजाब में लगा, ये तो आपको पता ही है, तो कब लगा ये मुश्किल है। तो ये आपका था 24 जून 1951, 24 जून 1951 याद कर लीजिए। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन कब मनाया जाता है? तो ये आपका 25 नवंबर। आगे बढ़ते हैं, इंटरनल इंडिया पुस्तक किसने लिखी? इंटरनल इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है, गैस करिए, बताइए, कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ बताइए, इंदिरा गांधी, ठीक है इंदिरा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोफे पोसा का संबंध है, तो जो आपका कोफे पोसा का संबंध है बताइए, आर्थिक अपराधों से, इकोनॉमिक क्राइम्स। चलिए, पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो यह है आपका ईद ए मिलादुन नबी बोला जाता है उसे, ईद ए मिलादुन नबी। देखो जीके का सवाल है और कल्चर से भी जुड़ा हुआ है, याद कर लीजिए। चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध फिजिशियन या चिकित्सक थे? चरक, चरक का नाम सुना होगा आपने बिल्कुल। तो ये थे आपके कुषाण डायनेस्टी में कनिष्क के दरबार में, कनिष्क का नाम आपने सुना ना, जिसने शकायरा भी चलाया था, शक संवत, जो कि भारत का इंडिया इंडियन कैलेंडर है 78 AD का, इन्हीं की कोर्ट में थे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चांडालिक, गार्डनर, हंगरी स्टोन्स, द कोर डांसर किसकी प्रमुख पुस्तकें हैं? तो ये है आपके रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, चिनार वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है, कौन सा स्टेट है? ठीक है, तो वो स्टेट है आपका केरला, याद कर लो, आज मैं आप क्वेश्चन दे रहा हूँ आप याद कर लीजिए। तो अच्छे सवाल है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश भी कीजिए। पांडिचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? चलिए बताइए क्या जवाब है इसका, इसके ऑप्शन बना देते हैं, 1956, 57, 60 और 61, बताइए क्या जवाब है। बिल्कुल 1956 याद कर लीजिए। सदाकत आश्रम भारत के किस राजनेता से संबंध रखता है? सदाकत आश्रम, ठीक है, कौन पॉलिटिशियन है जिससे जुड़े हुए हैं? तो ये थे आपके इंडिया के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। चलिए याद कर लो, इम्पोर्टेंट है। और बाकी हम क्रैश कोर्स हमने शुरू किया है पटवारी वाले एग्जाम के लिए, तो एक मौका है आपके जो 3-4 एग्जाम्स होने हैं अभी हरियाणा SSC के, तो एक नौकरी आप ले जाओ तो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे इसमें। और बाकी स्टडी मटेरियल के प्रोग्राम और टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं हमारे, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हो। चलिए फिर मिलूँगा आपसे एक बार फिर से किसी नए टॉपिक पर, नए सवालों पर, तब तक विदा लेता हूँ, थैंक यू वेरी मच। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।